बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। जो आज हमने दैनिक जागरण में भी पढ़ा और अमर उजाला में भी पढ़ा इस बारे में, जो आपकी न्यूज है बहुत क्लियर कट नहीं है। आप उसको आकर के 50-50 वो बैलेंस बना रहे हैं उसको, ये गलत है। मेरा कहना है कि ये रिपोर्टिंग एकदम गलत है। 50-50 नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई सुवाई नहीं है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, वो उसका अतिक्रमण कर रहा है अपने गुंडई से, अपने शासन के पावर से। और आप लोग उसका जो ऐसा लिख रहे हैं, मैं उन पर भी आरोप लगाता हूँ कि वे उसका साथ दे रहे हैं, अपने ईमान को बेच करके, अपने पत्रकारिता के धर्म को ताक पर रख करके उसका साथ दे रहे हैं जो लोग ऐसा लिख रहे हैं। आपने शासनादेश देखा, और आपको ये भी कहता हूँ कि उससे ये भी पूछने की जरूरत है, अगर पत्रकार तो कहते हैं बहुत निर्भीक है, स्वतंत्र पत्रकार होना चाहिए, कि हमने जो उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, इसका जो वीडियो है ये तो भारत सरकार की वेबसाइट पर और उत्तर प्रदेश की सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होगा। अभी हो गया होगा, नहीं तो हो जाएगा। और ये उसके जो रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है टीके शुक्ला साहब, उनसे पूछ लीजिए। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और उसने जो उद्घाटन किया है, आप उससे पूछिए कि क्या उत्तर प्रदेश के मंत्री रहते हुए तुम्हारी औकात है, हैसियत है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर तुम अपना उद्घाटन लोड करवा सकते हो? वेरी क्लियर क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट का सवाल नहीं है। दूर दूर अगर जो पूछना चाहे उसको सवाल करे कि क्या तुम भाई अपना जो उद्घाटन किए हो उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की वेबसाइट पर लोड करवा दिया है, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो इसमें थोड़ा हाल मेल करने की जरूरत नहीं है पत्रकार बंधुओं को, बड़ा क्लियर कट है। और वो अपना कोई कुछ भी करे, मतलब वो सांड की तरह खेत में चरता रहे, लेकिन मेरे खेत में चरेगा तो मैं उसको डंडा मारूंगा। मैं बता देता वो सांड की तरह, जैसे अभी सब बीजेपी के साड़ी हैं, साड़ की तरह चरता रहे जहाँ जहाँ सत्ता के बल पर चर सकता है, लेकिन अगर मेरे खेत में चरेगा तो श्याम सिंह यादव अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, डंडा मारेगा उसको। डरने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है।